स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में बेटा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5, दैट इज कैपेसिटेंस। और फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या चीज है? आप लोगों ने कभी कंडेंसर देखा है? फैन के अंदर एक कंडेंसर लगा होता है व्हाइट कलर का, ठीक है? वो व्हाइट कलर के कंडेंसर को फिजिक्स के लैंग्वेज में कैपेसिटर बोलेंगे। सो कैपेसिटर इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडेंसर। अ कैपेसिटर इज अ टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। आपने कैपेसिटर देखा होगा बेटा, उसके अंदर दो मतलब टर्मिनल्स होते हैं। मतलब बेसिकली इस तरीके की डायग्राम है, ये आपका कैपेसिटर है और कैपेसिटर के अंदर दो टर्मिनल्स यहाँ पे लगे होते हैं। इट हैज द एबिलिटी और अ कैपेसिटी टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसकी कैपेसिटर का काम क्या है? इसमें इसकी एबिलिटी है कि ये एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है। किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल चार्ज की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, हमारा फैन चल रहा है, फैन हम लोग चला रहे हैं 1 की स्पीड पे, 2 की स्पीड पे, 3 की स्पीड पे। इसका मतलब इस कैपेसिटर ने जो एनर्जी को स्टोर करके रखा है। अगर आप 1 पे चलाएंगे देन ये कैपेसिटर एनर्जी उसको देगा 1 की। अगर आप 2 पर रखेंगे अपने फैन को देन ये कैपेसिटर एनर्जी देगा 2 की, देन 3 एंड 4 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है जी। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन है, छोटा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। मान लीजिए आपका फैन जो है उसका कंडेंसर सड़ गया, कैपेसिटर सड़ गया, क्या वो काम करेगा कि नहीं करेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर दें, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर, मान लीजिए आपके फैन के अंदर कंडेंसर सड़ गया, वो काम नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है कि आपका फैन काम करेगा कि नहीं करेगा? चलिए, जो पोटेंशियल है ऑफ अ कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। जितना ज्यादा आप चार्ज दोगे उतनी ज्यादा आपकी पोटेंशियल होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वोल्टेज V1=1 दे रहे हो देन आपका जो चार्ज होगा वो भी 1 होगा। अगर आप V2 दे रहे हो इसको देन आपकी जो वोल्टेज है वो भी 2 होगी। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन रिमूव कर दोगे यहाँ पे आ जाएगा Q=CV। सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, आपकी कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है जिसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सी, ठीक है जी। अब सी को एक तरफ रखो और वी को दूसरी तरफ ले जाओ। अगर वी को दूसरी तरफ लेके जाओगे, दिस इज ये सी यहीं पे है, वी यहाँ पे ले जाओ, Q/V, इसे हम लोग बेटा कैपेसिटेंस भी बोल देते हैं। कैपेसिटेंस एक्चुअली है क्या? कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को एनर्जी की फॉर्म में जब कैपेसिटर के अंदर स्टोर करते हैं उस एबिलिटी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। सो इन द अदर वर्ड्स, कैपेसिटेंस इज अ स्टोरिंग एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर, जिसे हम लोग फैराड में मेजर करते हैं। सो फैराड एक्चुअली है क्या? ये समटाइम बेटा आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा कि फैराड है क्या। फैराड है क्या? द यूनिट ऑफ अ कैपेसिटर इज अ फैराड। A capacitor has a capacitance of 1 farad. एक capacitor की capacity 1 farad कब होगी? जब 1 coulomb of charge given, मतलब उसको दिया जाएगा और potential rise हो जाएगा 1 volt तक। So सबसे smallest unit है इसके microfarad और picofarad। Otherwise इसे farad में ही लिखते हैं, लेकिन numericals में अगर microfarad आए it means 10^-3, अगर picofarad आए मतलब 10^-12 फैरेड। और इसके डिमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? m-1 l-2 t^4 a² अब कैसे निकालेंगे? अपने c का डिमेंशन फॉर्मूला निकालना है। c किसके इक्वल है? Q/V। q की डिमेंशन फॉर्मूला लिखे और v का डिमेंशन फॉर्मूला लिखे। दिस इज योर होमवर्क, करके रखो। अगर नहीं होगा देन कमेंट सेक्शन में दीजिए। कमेंट सेक्शन में अगर आपके कमेंट्स हुए देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। फर्स्ट यूनिट के अंदर हम लोग क्यू भी पढ़ चुके हैं, वी भी पढ़ चुके हैं। जस्ट वैल्यूज पुट करो, आपके सी का आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा देन टेंशन नहीं लेनी, जस्ट कमेंट करें कि मैम सॉल्व नहीं हुआ, आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, विच इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्चुअली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो प्रिंसिपल है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। मतलब 1 मार्क्स की डेफिनेशन है जो आपने सिर्फ इतनी लिखनी है। इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट व्हेन एन अर्थ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द नेबरहुड ऑफ द चार्ज्ड कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इंक्रीज कंसिडरेबली। जैसे ही आप अर्थ के साथ किसी कंडक्टर को कंडक्ट करेंगे, मतलब कि कनेक्ट करेंगे, देन आपका जितना भी चार्ज होगा वो धरती के अंदर चला जाएगा। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे।
ठीक है। अदरवाइज आपने इतना ही लिखना है 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर। अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन अलग से आए देन आपको मान इसकी जो थ्योरी है वो लिखनी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी डायग्राम है और सिंपल सी एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले ए के अंदर क्या किया, एक प्लेट ले लो, उस पर पॉजिटिव चार्ज दे दो। खुद पॉजिटिव चार्ज दिया, इसका मतलब दोनों फेसेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। लेट पॉजिटिव चार्ज बी गिवन टू ए, स्टिल इट इज मैक्सिमम पॉजिटिव। तब तक इसे पॉजिटिव चार्ज देते जाओ जब तक ये मैक्सिमम ना हो जाए, ठीक है। नाउ कंसिडर अनदर इंसुलेटिंग प्लेट बी हेल्ड नियर ए। अब दूसरी इंसुलेटिंग प्लेट ले लो और ए के पास रख दो। जैसे ही ए के पास रखोगे, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्यों आएगा? बाय इंडक्शन नियर साइड ऑफ अ बी एक्वायर्स नेगेटिव एंड फॉर साइड ऑफ साइड पॉजिटिव पोटेंशियल। नजदीक वाली आ जाएगी नेगेटिव के ऊपर और दूसरी तरफ चला जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल। किसकी वजह से हुआ? बाय इंडक्शन मैथड। इंडक्शन मैथड हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा है। वेयर एज द इंड्यूस नेगेटिव चार्ज ट्राइज टू डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए। ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है इसने इस पॉजिटिव पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करनी है, क्योंकि नेगेटिव ने पॉजिटिव को डिक्रीज करना है, पॉजिटिव ने पॉजिटिव को क्या करना है, इंक्रीज करना है। एंड इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज ट्राई करेगा कि आपका जो इंक्रीजिंग द पोटेंशियल ऑफ ए, ए के पोटेंशियल इंक्रीज हो जाए। सिंस इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज इज नियर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से ज्यादा नजदीक है, ऑटोमेटिकली नेगेटिव का इफेक्ट पॉजिटिव पे क्या होगा, ज्यादा होगा। इट इफेक्ट इज लार्ज देन इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज, हेंस द पोटेंशियल ऑफ ए गेट रिड्यूस्ड एंड कैपेसिटी इज इंक्रीज। क्या हो जाएगा, आपकी जो वोल्टेज है, पोटेंशियल है, वो डिक्रीज हो जाएगा और कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ध्यान से सिंपल लैंग्वेज में समझे। मान लीजिए आपके पास एक इस तरीके की प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट थी, ठीक है जी। पॉजिटिव प्लेट के पास एक अनचार्ज प्लेट रख दी, इस ए प्लेट के पास बी प्लेट रख दी। जैसे ही बी प्लेट रखेंगे, बाय इंडक्शन मेथड इनर कॉर्नर्स पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और आउटर साइड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज ने इस पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करने की कोशिश की, इस पॉजिटिव चार्ज ने इस पॉजिटिव को इंक्रीज करने की कोशिश की। किसको? पोटेंशियल को, वी को इंक्रीज करने की कोशिश की। इस नेगेटिव चार्ज ने इस पॉजिटिव को डिक्रीज करने की कोशिश की, लेकिन नेगेटिव साइन जो पॉजिटिव साइन के ज्यादा करीब है, इसलिए इसका इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब ओवरऑल क्या होगा, जो आपका पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर जाएगा। अगर पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, सी किसके इक्वल है, क्यू डिवाइडेड बाई वी। अगर क्यू डिक्रीज कर गया देन सी क्या कर जाएगा, इंक्रीज। सिंपल लैंग्वेज में समझ लग गया कि क्या चीजें हो रही है। सो सिंपली यहाँ पे लास्ट में लाइन लिख दो, ड्यू टू दिस पोटेंशियल ऑफ ए, सॉरी हेंस द पोटेंशियल ऑफ ए गेट रिड्यूस्ड। पोटेंशियल अगर रिड्यूस हो गया तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कनेक्टिंग बी टू द अर्थ, अब ये वाले पोर्शन को कनेक्ट कर दो अर्थ के साथ। इंड्यूस्ड फ्री पॉजिटिव चार्ज गोज टू डिक्रीज, वेयर एज इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज सारा अर्थ में चला गया और नेगेटिव चार्ज बाउंड हो गया। ड्यू टू दिस पोटेंशियल ऑफ ए इज अ ग्रेटर रिड्यूस्ड एंड कैपेसिटी इज इंक्रीज, जिसकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल क्या हो गया, और ज्यादा। पोटेंशियल ऑफ ए, नेगेटिव ने पॉजिटिव को डिक्रीज करने की कोशिश की, और ज्यादा पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। अगर और ज्यादा पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो कैपेसिटी और ज्यादा इंक्रीज हो गई। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक की आप डेफिनेशन समझ लो, इसके बाद हम लोग इमेजिनेशन वीडियो के साथ समझेंगे कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। डाइलेक्ट्रिक में क्या है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल है इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, जिसे न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड किया जाता है, जिसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है देन जो डाइपोल्स की वजह से आपका करंट फ्लो होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एबोनाइट है, माइका है, ऑयल है, दे आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड जब लगाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरीके का, मान लीजिए ये पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है, दोनों एक नेगेटिव प्लेट है पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव ले लो ये नेगेटिव ले लो, ठीक है। पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस होंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि पॉजिटिव प्लेट ने नेगेटिव को अट्रैक्ट करना है और नेगेटिव प्लेट ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना है। सो इस तरह के पोल्स बन जाएंगे, टाइटली बाउंड हो जाएगा, इसकी वजह से जो आपका चार्ज फ्लो होगा, ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। इस प्रॉपर प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक।
चलिए बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक, विच इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन कि डाइलेक्ट्रिक है क्या। सो चलिए 3D इफेक्ट के साथ समझते हैं कि आपके पास दो प्लेट्स हैं, अगर दो प्लेट्स हैं तो उन पर अलग अलग चार्ज होगा, एक पे प्लस क्यू चार्ज और दूसरी पे माइनस क्यू चार्ज, और वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज़ ई वैक्टर। सो डाइलेक्ट्रिक स्लैब, सेंटर में ऑरेंज कलर का आपको कलर दिख रहा है, दिस इज़ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब विच प्लेस बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लेट, मतलब प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज प्लेट के अंदर आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया। अब ध्यान से देखिए, एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और दूसरी जो प्लेट है उस पर क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज। अगर एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, बीच में आपके पास कोई स्लैब रखी गई है, देन कोई ना कोई काम होगा। इस स्लैब के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, सो वहाँ पे भी कोई चार्ज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी, इतनी बात हो गई क्लियर। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे पर इफेक्ट डाले, थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, जो नेगेटिव प्लेट है प्लेट्स की, वो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट है हमारे पास, वो नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। सो जो आपके पास सेंटर में मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स। जब ये पोलराइज्ड मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए, मतलब कि पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव एक तरफ, इस प्रोसेस को बोला जा रहा है पोलराइजेशन। क्लियर हो गया? आपका सेंटर में जो पोलराइजर है वो टूट नहीं रहा, सिर्फ सेपरेट हुआ है। नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएगा और पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट 2010 और 11 में आया हुआ है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, 1 मार्क्स के MCQs में पूछा जा सकता है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। एक मान लो स्फेरिकल कंडक्टर है, हैविंग रेडियस r, सेंटर o, o के ऊपर आपने चार्ज रखा प्लस q चार्ज। सो लेट q बी द चार्ज विच इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट o, जो o के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया है। पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा? 1/4πε0Q/R। देन कैपेसिटेंस कितना था? C=Q/V। क्यू की जगह पर क्यू लिखा रहने दो और V की जगह पर क्या पुट कर देना है? 1/4πε0Q/R। क्यू के साथ क्यू कैंसिल, सो क्या बच गया? 1/1/4πε0R। 1/4πε0R को जब ऊपर लेके जाएंगे, सिंपल सी का आंसर क्या आएगा? 4πε0R। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, क्यू के साथ क्यू क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया और सिंपल आपका ये जो टर्म है रेशो में थी वो ऊपर चले गई, सिंपल आंसर आ गया C=1/4πε0R। सो दिस इज द आंसर। सो इसका मतलब कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जितना आपका रेडियस इंक्रीज होता जाएगा, उतनी आपके कैपेसिटेंस इंक्रीज होती जाएगी। सो बेटा जी, नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, विच इज इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम के अंदर काफी कम पूछा जाएगा। जैसे आपने अभी पढ़ा है कि कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस क्या चीज है, डाइलेक्ट्रिक क्या है, देन प्रिंसिपल, दीज ऑल आर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट। आपके एग्जाम के अंदर 20% या 30% चांसेस है कि ये आ सकता है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आएगा आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 मार्क्स का क्वेश्चन। 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ नहीं सकता, 2 मार्क्स में अगर सम टाइम बहुत आपकी माड़ी किस्मत होगी ना तो देन ये आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, अदरवाइज नो। ठीक है जी, सो क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो फर्दर अपने आपके आर्टिकल्स में यूज होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसमें यूज होगा। सो चलिए, अगर इसकी डेरिवेशन आपको क्लियर होगी देन ही आपको नेक्स्ट डेरिवेशन क्लियर होगी। सो मैंने आपको होमवर्क दिया है कि कंडेंसर अगर सड़ गया देन आपका फैन चलेगा कि नहीं चलेगा। अपने पापा के पास जाएं, अपने ब्रदर के पास जाएं, जो भी आपके घर के अंदर बड़े हैं उनके पास जाएं, इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करें और डिस्कस करें आपस में कि क्या होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ 2 प्लेट कंडक्टर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। मान लीजिए आपके पास 2 प्लेट्स हैं इस तरीके की। ठीक है जी, मान लीजिए कि दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ए प्लेट इज अ पॉजिटिवली चार्ज
एंड बी प्लेट इज अ नेगेटिवली चार्ज. ये है आपके पास नेगेटिव चार्ज प्लेट जिसपे नेगेटिव चार्ज है. दिस इज अ प्लेट बी हैविंग डिस्टेंस डी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी, जिसपे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा गया है जिसकी डिस्टेंस कितनी है डी. और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगी दैट इज ई वेक्टर. सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई. इतनी बात सबको क्लियर होगी. क्या किया सिंपल, आपने कैपेसिटर देखा होगा उसके अंदर दो डंडियाँ दिखी होंगी. इसका मतलब इसके अंदर दो प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स बहुत ज़्यादा बड़ी दूर दूर नहीं बनानी. ये ना हो कि उसके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा रख दो, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं बनानी, पर्टिकुलर एक स्पेस बनाओ ठीक है ए प्लेट और बी प्लेट के अंदर. सेंटर में जो डिस्टेंस है दैट इज डी, और इस चार्ज के ऊपर जो प्लेट है उस पर कितना चार्ज है माइनस क्यू, और ये वाली चार्ज प्लेट के ऊपर चार्ज कितना है आपका प्लस क्यू चार्ज. इतनी चीज सबको क्लियर है. सो कंसिडर करने के बाद लिखें द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स. इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है डी वी ओवर डी आर. कहाँ से आई भाई ये टर्म, कहाँ पे पड़ी ये टर्म इज इक्वल्स टू डी वी ओवर डी आर. कहीं पे देखी है आपने, कहाँ पे देख कर आई हो लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट वीडियोज के अंदर, वहां पे हमने पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट. सुना है बिल्कुल, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी ओवर डी आर. जब तक आपको पिछले आर्टिकल्स क्लियर नहीं होंगे बेटा आगे चलने का सोचना भी मत, क्योंकि आगे आगे जो जो टर्म्स हम लोग जितने भी आर्टिकल्स करेंगे उनका पीछे वाले आर्टिकल से कोई ना कोई लेना देना ज़रूर है. सो डोंट थिंक सो कि पीछे वाले आर्टिकल छोड़ दो डायरेक्ट ये स्टार्ट करो, इट्स नॉट पॉसिबल. सो जितना भी पढ़ो रेगुलरली और एक प्रॉपर वे में आपको स्टार्ट करना होगा. क्या हम डी वी की जगह पर वी और डी आर, डी आर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, बट हियर द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट इज डी. सो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं डी. सो ई का आंसर कितना आ गया डी वी ओवर सॉरी ई इज इक्वल्स टू वी ओवर डी. ठीक है जी. अब यहाँ से वी निकाल लो, वी के वैल्यू कितनी है ई डी, इसे दो इक्वेशन नंबर वन. ठीक है जी. यहाँ पे ई क्या चीज है, E is a uniform and perpendicular to plate. So, क्योंकि ये uniform है, E is electric field क्या है uniform. Uniform और non-uniform दो चीज़ें हैं. Uniform means बिल्कुल straight है, parallel lines है, हर point के ऊपर electric field same रहेगी. Non-uniform क्या है, जब आपकी curved lines है. ठीक है जी, curved lines है, कहीं पे electric field ज़्यादा है कहीं पे electric field कम है. अगर नॉन यूनिफॉर्म मतलब अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसे नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे, सेम है पैरेलल है मींस कि यूनिफॉर्म बोलेंगे. यहाँ पे जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ कर रहे हो ना दैट इज़ इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ई इज़ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स. प्लेट्स के क्या है परपेंडिकुलर है. इतनी चीज़ हो गई बेटा सबको क्लियर. नेक्स्ट लिखो, ये लिखने के बाद लिखो सिग्मा इज़ अ सर्फेस चार्ज डेंसिटी. सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. क्या ये चीज़ें पढ़ी हैं? बिल्कुल, फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने बोला था कि सिग्मा रो एक्सेट्रा बहुत अच्छे से याद कर लो, बहुत अच्छे से पढ़ लो. जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ से ये टर्म ली, सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी. बेटा साथ साथ नोट्स अपने बनाते जाओ, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछते जाओ. सो ई किसके इक्वल आएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपकी चार्ज है वो कितना है सिग्मा. ठीक है, इसके अंदर जो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है वो कितनी है एप्सिलॉन नॉट. सो सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इस टर्म को पुट करें इक्वेशन नंबर वन पे, पुट इन इक्वेशन नंबर वन. सो वी का आंसर क्या आ जाएगा, ई की जगह पर क्या पुट कर, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट डी. सो ये आगे आपकी पोटेंशियल की वैल्यू. सो इसे नाम दे दो दिस इज इक्वेशन नंबर टू एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री. हर एक पॉइंट को बेटा इक्वेशन नंबर दे दो ताकि समझना इसे इजी हो. नेक्स्ट लिखो वी नो, हमें पता है, यहाँ पे मैं रब करके लिख रही हूँ वी नो. अच्छा सरफेस चार्ज डेंसिटी में सिग्मा का आंसर कितना आया था दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय ए. We know Q divided by Q is equals to sigma over A. यहाँ पे sigma की value put करें, put in equation number 3. 3 में put करें, so आपका V का answer कितना आएगा, sigma की जगह पर क्या आ गया Q over A. ये term as such D over epsilon naught
एज सच. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4. अब हमारे पास बेटा पोटेंशियल आ गया. इस दो प्लेट्स के ऊपर पोटेंशियल पता करना, पहले तो कैपेसिटेंस पता करनी है ना. कैपेसिटेंस पता करने के लिए हमें सबसे पहले वोल्टेज पता करनी पड़ेगी कि हमारी जो दो प्लेट्स हैं उसके ऊपर कैपेसिटेंस कितनी है. कहाँ से पता लगेगी? वोल्टेज से. सो पोटेंशियल पता चल गया कि इतना पोटेंशियल है. बट हमें पता है कि हमें पता है कि सी किसके इक्वल है? क्यू डिवाइडेड बाई वी. ये हमें पता है ऑलरेडी, हम लोग सॉल्व कर चुके हैं. सो क्यू की जगह पे क्यू, वी की जगह पे ये टर्म पुट कर दो. क्यू डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं ऊपर, डिवाइडेड बाई की फॉर्म में मत लिखो, डायरेक्ट ऊपर ले जाओ. क्यू के साथ क्यू कैंसिल. सो सी का आंसर कितना आ गया? ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी. सो दिस इज द फाइनल आंसर. डन. ये किसकी कैपेसिटेंस है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की. सो लास्ट में लिखे, इफ द स्पेस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ के, देन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज. मान लीजिए आपके पास दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स के अंदर खाली है, कुछ भी नहीं है, देन कैपेसिटेंस कितनी होगी? ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी. मान लीजिए इसके अंदर कोई चीजें हमने ऐड कर दी. जब इसे ऐड करेंगे क्या होगा? जब भी याद रखो, ये एमसीक्यूज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप दो पैरेलल प्लेट्स के अंदर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को ऐड करेंगे, जैसे ही ऐड करेंगे आपकी जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी. चाहे उसकी वैल्यू डाइलेक्ट्रिक की कम हो, चाहे ज़्यादा हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो ऐड करा ही बीच में. दो प्लेट्स है इसके बीच में, कुछ ना कुछ तो ऐड करा है. जैसे ही आप ऐड करोगे देन कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. मान लीजिए आपने जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऐड करा है वो कौन सा ऐड करा है? के. सो सी इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी. सो दिस इज द फाइनल वैल्यू व्हेन द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इज इंसर्ट बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स. सो लास्ट में लिख दो, द लार्जर द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, लार्जर द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस. सो लास्ट में एक लाइन लिख दो, दस लार्जर द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, लार्जर द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस. ठीक है जी. सो चलिए आज की वीडियो में आज इतना ही करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, मैक्सिमम शेयर कर दो. थैंक यू सो मच.